आज का ये जो वीडियो है इसमें बहुत ही सेंसिटिव बीमारी अबॉर्शन और मिसकैरेज पे डिस्कस किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि अंत तक बने रहिए ताकि ये बीमारियाँ पत्री में कैसे देखनी है आपको समझ आए। मिसकैरेज और अबॉर्शन। The fifth house represents pregnancy or conception and its successful delivery or untimely termination. Miscarriage or abortions, whether spontaneous or medically terminated, adversely affect more for the day, physically, mentally, emotionally and socially. Medicos do not know the exact causes, but it is felt that weak uterus, general weakness, mismatching of blood group between the couple and first conception at the advanced age could be the reason. Astrologically, Lagna, fifth house or Lord, Karka, Jupiter and Moon, afflicted by Mars, Ketu and Saturn could be the causes. From conception to delivery, the planets Venus, Mars, Jupiter, Sun, Moon, Saturn, Mercury, Lagnesh, Moon and Sun rules 1 month each in the order given. If a planet is weak or afflicted in the chart of the day, the chances of abortion or miscarriage during the month ruled by the planet increases. सुनिए, बहुत ही important है सारी क्लास के लिए। आपको बहुत ध्यान से सुनिए ये बात मेरी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मिसकैरेज एंड अबॉर्शन दोनों चीज़ों में एक बात कॉमन है कि बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, बच्चा हमारा डिस्ट्रॉय होने जा रहा है। लेकिन मिसकैरेज जो है वो सडननेस है, वो अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, ब्लीडिंग हो गई, मेडिकल प्रॉब्लम आ गई जिसमें मदर नहीं चाहती कि उसका बच्चा खराब हो, लेकिन वो खराब हो गया, दैट इज कॉल्ड मिसकैरेज। घर वाले नहीं चाहते उस बच्चे को छोड़ना, लेकिन अचानक ब्लीडिंग हो गई, डॉक्टर बोलता है कि बच्चा खराब हो गया जी, ये तो अब डिस्ट्रॉय हो जाएगी ये कंसेप्शन, वो तो मिसकैरेज है। अबॉर्शन हमारे हाथ में है, अबॉर्शन सिलेक्शन है हमारी, अबॉर्शन हम अपनी मर्जी से कराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा, डॉक्टर बोलता है कि ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि किसी के पहले से लड़कियां हैं और वो लड़का चाहते थे, बाय चांस उन्होंने टेस्ट कहीं कराया और फिर लड़की निकल गई, बोलते हम वी डोंट वांट टू टेक मोर रिस्क, अब तो हम लड़की नहीं चाहेंगे, इसको अबॉर्ट कर दो। कई बार ऐसा होता है कि कुंवारी लड़कियों के, अनमैरिड लड़कियों के रिलेशन होते हैं, वहाँ पे उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है, कंसेप्शन हो जाती है, समाज के डर के लिए, समाज से डरते हुए पेरेंट्स उस लड़की को बोलते हैं कि बेटर यू लूज दिस चाइल्ड, इसको अबॉर्ट करा दो। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चे भी आगे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, उस समय अचानक उनसे कंसेप्शन हो जाती है, लेडी को गर्भ ठहर जाता है, लड़की के अब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस समय शर्म के मारे, समाज की शर्म के मारे में पेरेंट्स चाहते हैं कि इस एज में हम बच्चा नहीं चाहते, इनको पालेगा कौन, हम तो बूढ़े हो रहे हैं, तो उस समय भी अबॉर्ट कराया जाता है। अबॉर्शन इज ए आर्टिफिशियल अरेंजमेंट, मिसकैरेज इज ए नेचुरल अरेंजमेंट बाई द गॉड। तो इसमें क्या है, चाहे कुछ भी हो लेकिन मदर जो है उसको दोनों केसेस में एक मेंटल ट्रॉमा होता है, दोनों केसेस में उसकी सेहत भी ख़राब होती है, दोनों केसेस में वो मेंटली और फिजिकली हराश भी होती है, दोनों केसेस में उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, दोनों केसों में वो वीकनेस भी महसूस करती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे यूट्रस में कैपेसिटी नहीं होती बच्चे को होल्ड करने के लिए, यूट्रस के मुँह पर सिस्ट होती है या गटोलियाँ सी होती हैं, जिसके कारण जब बच्चा कंसीव होता है तो उसको 9 महीने तक रख पाना उस यूट्रस के बस में नहीं होता और बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं करते एक दूसरे से, कंजेनिटल डिजीज के कारण भी बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। रीजन कुछ भी रहे, दोनों में लड़की को बड़ा एक ट्रॉमा होता है, लड़की को ये दुख सहना पड़ता है, उस फिजिकली मेंटली दोनों ही। और
एस्ट्रोलॉजिकली कारण क्या है? एस्ट्रोलॉजिकली तो पांचवा घर जो बच्चे का है, कारका प्लैनेट बृहस्पति है, चंद्रमा हमारे यूट्रस में जो फ्लूइड होता है उसका कारक है, मार्स केतु और सैटर्न तीनों ही मैलिफिक प्लैनेट है, जब इसके चक्कर में ये हमारे सॉफ्ट कंपोनेंट बृहस्पति मून पांचवा घर आ जाते हैं तो किसी न किसी तरीके से हमारे जो बच्चे का खतरा प्रेगनेंसी खतरे में आ जाती है। अब इसको देखना कैसे है, कब होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आप सीखिए। 9 के 9 महीने के कार्क प्लैनेट बनाए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सेजिज ने बहुत ही रिसर्च करके, जो हमारे कंसेप्शन के महीने हैं उनमें कारका प्लैनेट की स्थापना की है, जिसमें शुक्र जो प्लैनेट है वो पहले फर्स्ट मंथ जब पीरियड बंद होते हैं फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का कारका है, मंगल दूसरे महीने का कारका है, जुपिटर थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का कारका है, सूर्य फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का कारका है, चंद्रमा सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का कारक है, सैटर्न जो है सेवन्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का कारक है, मरकरी एट्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का कारक है, लग्नेश मून एंड सन्स जो है ये लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के कारक बन जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जब कभी आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये प्रेगनेंसी में फीमेल कब अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। देखिए 9 के 9 महीने एक लड़की बहुत ही तंदुरुस्त रहे वो तो भाग्यशाली होती है, फिर माँ का जो दर्द है, माँ कहते हैं ना माँ ने बहुत कष्ट उठाए आपको पैदा करने के लिए, वो कष्ट तो उसको सहने पड़ते हैं। कब सहने पड़ते हैं? जो भी प्लैनेट जिस महीने का इंचार्ज प्लैनेट जो है कारका प्लैनेट है वो दूषित होगा आपकी पत्री में, यदि उसी महीने में आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसी महीने में आपको जाके डॉक्टर से बार बार डिस्कस करना पड़ेगा, उसी महीने में आपको हो सकता है डॉक्टर के बेड रेस्ट कर लो। तो ये जो प्लैनेट है इनको आप अच्छे से नोट कर लेना, आप जब प्रेडिक्शन करोगे किसी की प्रेगनेंसी की कि वो स्मूथ जाएगी या नहीं जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली, तो इन प्लैनेट्स को सीक्वेंस में रख के देखना आप, जो आपका क्लाइंट है उसकी पत्री में, आपका भाई बहन घर में जो भी आपका रिश्तेदार है उसकी पत्री में देखना। इस पे लड़की की पत्री पे लगानी है ये बात, ये लड़की की पत्री पे, क्योंकि कंसेप्शन के बाद जो प्रेगनेंसी है उसमें होने वाले दर्द को लड़की ने सहना है, इसलिए लड़की की हॉरोस्कोप ये रहेगा। जब आप लगाओगे तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप 5-7-10 पत्रियाँ लगाना जो जिनके बारे में आपको पता है, जो महिलाएं हमारी क्लास में हैं वो अपनी हॉरोस्कोप पे लगाएं, उनको पता होगा कि मुझे जब बच्चा पैदा हुआ था मेरी कंसेप्शन के कौन में से महीने में मैं मोस्ट अनकंफर्टेबल रही थी, अपनी अपनी पत्री पे लगाना, तो आपको लोगों को बताना बड़ा आराम से आराम हो जाएगा। और वो कितना अफ्लिक्शन है, वो मिसकैरेज तक जा सकता है या नहीं जा सकता, इसके कॉम्बिनेशन आप नीचे पढ़िए। कॉम्बिनेशन नंबर 1 से शुरू हो जाएगी, लग्ना मून जुपिटर। Lagna, Moon, Jupiter are afflicted by malefic or retrograde planets. There is exchange of 5th and 8th Lord, or 5th Lord is afflicted in 8th house. 5th Lord, Jupiter, Moon and Venus are influenced by separatist planets. Lagna or Moon in Papkatri and aspected by Mars or Ketu. Mars and Ketu aspecting 5th from Lagna, Moon or Jupiter. Mars or Ketu afflict Jupiter, Moon and Venus. Mars with Jupiter or Venus in 5th, aspected or conjunct with the malefic. During pregnancy, Dasha Lords are afflicted by Mars, Ketu or Saturn. Mars and Saturn in Lagna, Moon in sign of Mars or Saturn and afflicted, or Jupiter is afflicted by all three malefic. पेट में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है जब बृहस्पति मंगल शनि और केतु जैसे प्लैनेट के साथ अफ्लिक्टेड होता है। लग्ना मून एंड जुपिटर आर वीक एंड इनमूवेबल साइंस एंड रिलेटेड विद मैलेफिक हाउस और प्लैनेट्स। सैटर्न कारका है मरे हुए बच्चे के पैदा होने का। दैट्स ऑल विद दिस हॉरोस्कोप द फिफ्थ हाउस एंड इट्स डिजीज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिजीज,
आप इन कॉम्बिनेशंस को लेके जो बच्चे आपको जानते हैं, जिन जो रिश्तेदार आपको जानते हैं, उनकी पथरी पे लगाइए, हार्ट डिजीज़ की पथरी पे लगाइए, प्रेगनेंसी वाली किसी का अबॉर्शन हुआ उसकी पथरी पे लगाइए, किसी को बहुत परेशानियां आई प्रेगनेंसी में उसकी पथरी पे लगाइए, किसी का अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ उसकी पथरी पे लगाइए। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।